अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल अर्शाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी। नाज़रीन, आपको बता दें आज हम मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। जी हाँ नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं गुलमर्ग में। और नाज़रीन आपको बता दें आज से क्लीनर्स ड्राइव यहां से स्टार्ट हो गई है। और नाज़रीन खास बात यहाँ पर यह है, MLA गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी पीरज़ादा फारूक अहमद शाह ने यहाँ पर खुद इसमें पार्टिसिपेट किया है। और MLA गुलमर्ग यहाँ पर अभी गुलमर्ग में खुद सफाई कर रहे हैं। और इनके साथ यहाँ पर जब हम बात करते हैं म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग के ऑफिसर्स और डिफरेंट स्कूल से आए हुए बच्चे और कई सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद है और वो भी इस सफाई के इस क्लीनर्स ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि नाज़रीन आपको बता दें सिविल डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स है, चाहे हम बात करें DSP गुलमर्ग, SHO गुलमर्ग, वो भी यहाँ पर मौजूद है और इस ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब हम बात करते हैं सफाई को लेकर, सफाई से इंसान इंसान है, जिसको सफाई नहीं वो हैवान है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी ड्राइव यहाँ पर स्टार्ट की गई है MLA गुलमर्ग की जानिब से। सबसे पहले इनका यही पड़ाव रहा है सफाई को लेकर, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सफाई होनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है। हालांकि जब हम बात करते हैं गुलमर्ग को लेकर के कई सारे ममालकों से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर आते हैं ग्रीनरी देखने के लिए आते हैं और यहाँ की ब्यूटी देखने के लिए आते हैं। हालांकि MLA गुलमर्ग का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। सबसे पहले पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये क्लीनेस ड्राइव का सिलसिला जारी रहेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, MLA गुलमर्ग यहाँ पर खुद सफाई कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल से, हायर सेकेंडरी से आए हुए बच्चे वो इस ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि मकसद यही है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरा साफ शिफाफ रखना है और उसी से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं। नाज़रीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिविल डिपार्टमेंट के साथ साथ जब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स है वो भी यहाँ पर इस ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन कंसेप्ट यही है, MLA गुलमर्ग का यही कंसेप्ट है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को साफ सुथरा रखा जाए। जी आज यहाँ पर क्लीनेस ड्राइव का सिलसिला जारी रहा, इस हवाले से बताइए। देखिए क्लीनेस ड्राइव का एक ही मकसद है, बेसिकली ये एक वेकअप कॉल थी फॉर ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ गुलमर्ग, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ गुलमर्ग, क्योंकि गुलमर्ग एक हेल्थ रिजॉर्ट है, इट्स नॉट ऑनली अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बट इट्स ए हेल्थ रिजॉर्ट। हेल्थ रिजॉर्ट पे जब आप इतनी गंदगी देखोगे तो यहाँ हेल्थ प्रिजर्व करने के बजाय बीमारियाँ साथ ले जाएंगे टूरिस्ट। तो एक यही सिग्नल थी कि यहाँ गुलमर्ग को क्लीन गुलमर्ग बनाना है, ग्रीन गुलमर्ग बनाना है। तो हमारे ऑनरेबल MLA साहब का यही मिशन था कि वी विल प्रिजर्व द गुलमर्ग, वी विल प्रोटेक्ट द गुलमर्ग एंड वी विल कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। तो आज जो वेकअप कॉल थी ये इसी चीज के लिए दी गई थी कि आइंदा से यहाँ गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। दिस विल रिमेन कंटिन्यू, बेसिकली वी हैव टेकन ए रिव्यू मीटिंग लास्ट वीक विद ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ गुलमर्ग सब डिवीजन। वहाँ इनको ऑनरेबल MLA ने ऑलरेडी डायरेक्शंस दे दी, इट्स नॉट ओनली गुलमर्ग बट ऑल द विलेज हु आर दिस पार्ट एंड पार्सल ऑफ सब डिवीजन गुलमर्ग, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी। वहाँ ऑल द BDOs हैज बीन डायरेक्टेड, ऑल द इरीगेशन ऑफिशियल्स हैज बीन डायरेक्टेड टू क्लीन द कैनाल्स, टू क्लीन द होल विलेज। So this will remain continue until and unless we will not see Gulmarg green and clean. Bismillahirrahmanirrahim. Dekhi maine pehle hi barha keh chuka hu, Gulmarg is crown of tourism of Jammu and Kashmir. Aur jo bhi yahan tourist aata hai Jammu Kashmir, wo uske jo hai plan hota hai, uske itinerary mein hota hai Gulmarg. Lekin agar aap dekhenge daaye baaye, aap le lo ye shots le lo एंड सी व्हाट्स द कंडीशन ऑफ गुलमर्ग। ये गुलमर्ग नहीं है, गोबर मर्ग बनाई गई है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। अगर आप याद करेंगे गुलमर्ग ऑफ 2003, 2004, 2005 और 2006, आप देखिए सड़क पर भी आदमी खाना खा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से रोना आता है यहाँ कि इज इट गुलमर्ग, वाकई तो ये गुलमर्ग है। लिहाजा मैंने परसों ही अनाउंस किया था कि हम सफाई का हफ्ता मनाएंगे और इस दौरान सारे हमारे जो यहाँ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं गुलमर्ग में, खासकर म्यूनसिपल कमेटी और GDA का खासा रोल है इसको साफ रखने में। मैंने ऑलरेडी इनको रिक्वेस्ट भी किए है, हिदायत भी दी है और वार्निंग भी दी है कि गुलमर्ग, आई वांट गुलमर्ग क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, इसमें कोई हम जो है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ टूरिस्ट आते हैं, दे टेक इंप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट,
फ्रॉम दीज प्लेसेस। अगर गुलमर्ग में गलाजत हो वो वही इंप्रेशन लेके जाते हैं कि दे आर नॉट सीरियस पीपल। और खासकर मैं स्टेक होल्डर से कहता हूं, उनका काम है गुलमर्ग को साफ रखना। ये नहीं कि होटल वाला अपना सारा जो गार्बेज होगा सड़क पर फेंके, दुकानदार वहीं फेंके, ढाबा वाला वहीं फेंके, या घोड़े वाला दिन को कमाएगा शाम को गुलमर्ग में घोड़े को छोड़ेगा, नॉट एट ऑल। ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो लिहाजा मैंने इनसे अपील किया अफसर से, पहले इनको समझाएं, अवेयरनेस कर लें कि हमें गुलमर्ग को साफ रखना है, इसमें इनको इकदाम लेने हैं। ऑफिसर्स हैव टू एक्ट, एम्प्लॉयज हैव टू एक्ट, दे हैव टू सी दैट गुलमर्ग इज नीट एंड क्लीन, तब हमें टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ ज्यादा तादाद में, जब हमारे रिजॉर्ट साफ हों।